ऐसा तो हो ही नहीं। कि लोकगीत की बात हो और कल्पना चौहान जी का नाम ना लिया जाए। आज ये आवाज लोगों के दिलों पर राज कर रही है, तो इसका कारण सिर्फ संघर्ष कहा जा सकता है। इन्होंने जो मुकाम आज अपना बनाया है, जो उपलब्धि इन्होंने पाई है, उसके पीछे कितने संघर्ष रहे हैं, आइए आज हम उन्हीं से जानते हैं, कल्पना चौहान जी से। हेलो उत्तराखंड में उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद मैडम। सबसे पहले तो आज आप हेलो उत्तराखंड की एक जाना माना मतलब चेहरा बन चुकी हैं, आवाज के लिए इतनी लोकप्रिय हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरा वैसे बॉर्न मुंबई का है, पढ़ाई मेरी मुंबई की है, म्यूज़िक से मुझे बहुत लगाव रहा है, तो बचपन से ही मुझे म्यूज़िक से लगाव रहा है। तो लेकिन ये है कि हमारा दुर्भाग्य कहा जाए कि हमें ऐसी शिक्षा संगीत की नहीं मिल पाई, क्योंकि उस ज़माने में इतना साधन नहीं हुआ करते थे, खासकर लड़कियों के लिए संगीत सीखना थोड़ा सा बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन माँ सरस्वती की इतनी बड़ी कृपा रही है, गॉड गिफ्ट मिला है मुझे संगीत आवाज़। डैडी ने, मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजेंद्र चौहान, उनको काफ़ी अच्छा तजुर्बा है संगीत का, म्यूज़िक का, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो उन्होंने सिखाया है और जो मैंने गाया है वो मैंने अपने दर्शकों तक पहुँचाया है। तो फैमिली बैकग्राउंड किस प्रकार का रहा है, भाई बहनों माता पिता की बात अगर हम करते हैं तो? मेरे फादर इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, नागरा रिकॉर्डिस्ट, स्वर्गीय उमेर सिंह बिष्ट जी, और मेरे हस्बैंड है जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं राजेंद्र चौहान जी। मेरे दो बेटे हैं राहुल और रोहित चौहान जी। राहुल मुंबई में रहता है और रोहित जो कि एक अच्छा लोक कलाकार है, गायक हैं। और बस मेरा यही है, बाकी मेरा मायके से मेरा अपना म्यूज़िक का कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन एक शौक था जिसको मेरे डैडी ने आगे बढ़ाया है, और आज मैं जिस मुकाम पे खड़ी हूँ उसके लिए मैं अपने हस्बैंड को क्रेडिट करती हूँ कि उन्होंने मुझे। कहा जा सकता है कि आपको पूरा सपोर्ट मिला है आपके सपने को पूरा करने के लिए? जी बिल्कुल, मुझे पूरा सपोर्ट मिला है मेरे पापा से भी और मेरे हस्बैंड से भी। आज तक आपने किन किन भाषाओं में गाना गाया है, और आपका खुद का पसंदीदा कोई ऐसा गाना? वैसे तो मैंने बेसिकली तो मैं उत्तराखंड की लोक गायिका हूँ, उत्तराखंड के लिए ही गाया मैंने, लेकिन मैंने जैसे कि भोजपुरी भी गाया है और यूपी हरियाणा के भी गीतों गाए हैं, फिल्मों में भी गाया है, राजस्थानी भी गाए हैं, भजन वगैरह भी गाए हैं। और पसंदीदा मेरा वैसे तो बहुत सारे गीत हैं, लेकिन एक गीत है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो था मन लगी गे मेरू पिंगली साड़ी माँ, और एक था मेरा ही उनका दिना। आपको कब लगा कि आपको संगीत के क्षेत्र में कदम रखना चाहिए, या कहीं से इंस्पिरेशन मिली आपको? म्यूज़िक का शौक क्योंकि बचपन से रहा है मुझे, तो संगीत तो मैं, और ख़ासकर मैं उत्तराखंडी लोकगीतों में ज़्यादा रही हूँ, कि मुझे अपने अपने कल्चर से अपनी संस्कृति से बड़ा प्यार रहा है। मैं क्योंकि हम लोग अपने पहाड़ से बहुत दूर रहे हैं मुंबई, तो इतनी दूर रहने की वजह से हमें बड़ा प्यार रहा अपने उत्तरा, क्योंकि उत्तराखंड बड़ा खूबसूरत है, सुनते रहते हैं, जब जाते हैं देखते रहते हैं। तो बचपन से एक था कि काश ऐसा होता कि मैं संगीत सीखती और अपने उत्तराखंड के लोकगीतों को गाती और मेरे बहुत सारे दर्शक होते, जो कि एक बचपन में ख्वाब होता है सभी लोगों का, तो वो मेरा भी था। और जब मुझे मैंने ये अपने पापा से बताया, तो उन्होंने मुझे छोटे छोटे मंच दिए, छोटे के बाद फिर मैंने अच्छे से मंच करे मुंबई में, फिर मेरी शादी भी, शादी के बाद हस्बैंड ने मुझे बहुत कुछ सिखाया म्यूज़िक की बारीकियाँ सिखाई और म्यूज़िक के बारे में बताया। उसके बाद मैं 94 में मैंने ऑडियो कैसेट में फिर। आज अगर हम उत्तराखंड प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन उनको कोई आज मुकाम नहीं मिल पाया है, और वो सरकार को कोसते हैं इसके लिए, उस मुद्दे को आप कैसे देखते हो, उनको आप कैसे लोगे? देखिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा है कि जितना सीखें उतना कम होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत सीखे हुए होते हैं उनको मुकाम नहीं मिल पाता। उसके पीछे है कि किसी का सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि हर काम के लिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, कि आपके पीछे किसी का हाथ हो। अगर वो हाथ मिल जाता है तो अच्छी बात है, दूसरा लक बहुत काम करता है, अगर आपकी किस्मत आपके साथ देती है तो। कभी कभी जो नहीं जैसे हम हैं, हमने सीखा नहीं है, लेकिन एक गॉड गिफ्ट है हमें, तो मुकाम मिल गया हमें, तो हम शायद इस मामले में अपने आप को लकी समझते हैं कि भाई हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिले अच्छे अच्छे, और हमारे उत्तराखंड में प्लेटफॉर्म की कमी है। क्योंकि वैसे हमें विगत 2007 से उत्तराखंड सुरताल संग्राम या उत्तराखंड की आवाज़ इस तरह के आयोजन करती हूँ, ताकि हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं उनको एक मंच मिले, उनको एक मुकाम मिले। तो हमारे हस्बैंड बहुत इस तरह के काम करते रहते हैं,
रही बात सरकार की, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस मामले में अभी हमारे उत्तराखंड के कलाकार का बदनसीब रहा है कि सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ नहीं मिला कि भाई हमें ये बोले कि किसी भी कलाकार को एक अच्छी सी रॉयल्टी मिली हो या उसको एक पुश करने के लिए कुछ मिला हो, तो मैंने ऐसा अभी देखा नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत तो सरकार कर देती है, अगर कोई कार्यक्रम किया तो उसके लिए सपोर्ट कर लेती, लेकिन एक कलाकार जिसके अंदर कला है उसको बढ़ाने के लिए अभी ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ है। एज एन कलाकार सरकार के लिए क्या संदेश है अभी? मैं चाहूँगी कि अगर आप देखिएगा कलाकारी के उसमें, तो जैसे भोजपुरी है या पंजाब है, ये अपने अपने कलाकारों को बहुत सपोर्ट करती है, उन्हें बढ़ावा देती है, उनके लिए बहुत सारी सब्सिडियाँ हैं जो मिलती है। हो सकता है सरकार ने, हमारे उत्तराखंड की सरकार ने बनाई हो, लेकिन वो अभी मिल नहीं पाई हमारे कलाकारों को। तो मैं चाहूँगी कि, मैं दिल से चाहती हूँ कि सरकार उन कलाकारों को बढ़ावा दे, उनकी जो उनका जो संगीत है, जो उनके शौक़ है, उनको इतना सपोर्ट दे कि वो भी एक अच्छा मुकाम हासिल करें। तो सपोर्ट अगर हमारी देखो हर जो भी कलाकार होता है उसका एक अपना टैलेंट होता है, लेकिन उसको बढ़ावा देने के लिए पेरेंट्स के साथ साथ चारों बाजू का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी, तभी वो आर्टिस्ट एक बनता है। तो अगर लोकगीतों की बात हो रही है, अगर पंजाबी गीत की हम बात करते हैं, तो उसका ऑडियंस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में है। हम लोग भोजपुरी की बात करते हैं तो भोजपुरी के बहुत सारे ऑडियंस हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोकगीतों की हम बात करते हैं तो यहाँ के जो श्रोता हैं बहुत कम लेवल पे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये आज से मतलब मैं 95 तक मैं इस बात को मानती थी कि शायद उत्तराखंड को बहुत कम लोग जानते हैं, उत्तराखंड के लोक कलाकार सिर्फ सीमित हैं उत्तराखंड तक। ऐसा नहीं है, अपने बलबूते पे, अपने ही रिस्क पे हमारे उत्तराखंड के लोक कलाकारों ने, चाहे वो अब कहीं से भी पैसा उन्होंने इकट्ठा किया, लेकिन उत्तराखंड के लोकगीतों को या गीतों को बाजार मार्केट तक पहुँचाया, जन जन तक पहुँचाया, दर्शकों तक पहुँचाया, तो एक मुकाम हासिल किया है। एक वक्त था कि जब हम लोग पंजाबी गीतों को या भोजपुरी गीतों को, अदर्स जो भी है जो अच्छे चर्चित गीत, उनमें शादी हो, ब्याह हो, कोई फंक्शन, उसमें बजते थे। लेकिन मैं बहुत अब बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि विगत 30-35 वर्षों से मैं उत्तराखंड के लिए काम कर रही हूँ, तो मैंने अब देखा है कि अब जहाँ पर पंजाबी गीत बजते थे वहाँ पे उत्तराखंड के गीत, लोकगीत बजते हैं, बच्चे उसमें डांस करते हैं। हाँ, ये है कि उतना विस्तार नहीं हुआ है कि भाई जिस तरह से पंजाब के लोग, उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग अपने कलाकारों को बहुत बढ़ावा देते हैं। अगर यही बढ़ावा, यही उनको सहायता मिले, तो हमारे लोक कलाकार भी आगे बढ़ सकते हैं। और आज मैं खुद UAE के कई शहरों में अपना कार्यक्रम देख के आई हूँ, बहुत से कलाकार हैं जो जाते हैं विदेशों में भी, तो हैं, हम प्रचार कर ही रहे हैं अपने कला, लेकिन अगर सरकार की मदद मिले तो हम और अच्छी तरह से कर सकते हैं। अभी प्रदेश में फिल्म परिषद का भी निर्माण हुआ है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, क्योंकि अभी मुझे इस विषय में पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है, और ये भी कह सकते हो कि शायद ये या तो हमारा दुर्भाग्य है कि हमें इस तरह की कोई जानकारी भी नहीं मिली है, ना ही इन लोगों ने किसी ने दी है, जबकि मैंने, मेरा पूरा परिवार म्यूज़िक से 30-35 सालों से जुड़ा है, और हमें इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। जिन कलाकार, मैं नहीं, मेरे अलावा बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल अपने इस उत्तराखंड के लिए दिए, अपने गीतों के माध्यम से दिए, अपने लेखनी के माध्यम से दिए, चाहे किसी भी माध्यम से दिए, लेकिन उन्हें उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया है, उन लोगों को नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि उनको भी मिले, उनको भी इस परिषद में आने का मौका मिले। संस्कृति विभाग का कहना होता है कि हमने योजनाएं कलाकारों के लिए बनाई हैं, मंच के लिए बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं कि संस्कृति आगे बढ़े, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी योजनाएं बनाई जा रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं, या अभी इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट या जरूर सुधार की ज़रूरत है, या और ठीक योजना करनी चाहिए? योजनाएं बननी चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी योजनाएं बननी चाहिए, और बहुत जो कलाकार है, जो लोग कलाकार है विगत कई वर्षों से काम करें, उनके लिए भी हर तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, कलाकार एक ऐसा भावुक आदमी होता है कि उसको इतने दर्शकों से तो बहुत प्यार मिलता है, लेकिन अपनी सरकार से और अपने जिन्होंने हमें मौका देना चाहिए, उनसे हमें क्या बोलते, अपेक्षाएँ मिलती हैं। अगर वो सब चीज़ हमारे लोक कलाकारों को मिल जाएगा, तो फिर हमें कभी भी किसी की भी सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हमारे बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, अगर सरकार या कोई भी संस्थाएं, ऐसे तो ऐसे प्राइवेट संस्थाएं बहुत है जो हमारे कलाकारों को बढ़ावा देती है, सरकार भी देगी तो अच्छी बात है। और जहां तक संस्कृति विभाग का वो है, तो मैं चाहूंगी कि संस्कृति विभाग भी बढ़ चढ़कर हम कलाकारों के लिए आगे आए। मैडम, आपके लाइफ में ऐसा भी मोड़ आया है कि जहां आप डिप्रेशन में आ सकते थे, लेकिन आपने हर कलाकार के लिए एक मिसाल बन गए, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
ये है कि 2010 25 जून को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हादसा तो बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि मेरे दोनों पैर इसमें जो कि नहीं के बराबर रहे हैं। तो थोड़ा सी हिम्मत तो टूटी थी, लेकिन ऐसा होता है कि मुझे परिवार का बड़ा सपोर्ट मिला। हस्बैंड मेरे बड़े मेरे उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा। उन्होंने मुझसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें गाय मंच तक पहुँचा के रहूँगा। फिर एक बहुत बड़ा हाथ मेरे पीछे ये रहा कि मेरे जितने भी नेता राजनेता जितने भी हमारी संस्थाएँ हैं जितने लोग हैं उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मुझे आज मैं मंच तक पहुँची तो मुझे भोले जी महाराज और माता मंगला जी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे लाइफ में, मुझे खड़े करने में। तो जब कहते हैं ना कि एक आदमी का दुख अगर हज़ारों लोगों में बढ़ जाता है तो उससे बहुत सपोर्ट मिलता है, तो मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट मिला। और मुझे खुशी होती है कि आज मैं अपने दोनों पैरों से थोड़ा सा मतलब शारीरिक अंग से मैं कम हूँ, लेकिन लोगों के प्यार ने दर्शकों के प्यार ने मुझे आज भी मुझे ये महसूस नहीं होने देते कि मेरे अंदर कुछ कमी आई है। तो जैसे कि आप और लोगों के लिए भी मिसाल बने हो, उसी तरह से जो जिंदगी से हताश हो गए हैं, पूर्ण मतलब शारीरिक पूर्ण है उसके बाद भी वो हताश हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप चाहे शारीरिक रूप से पूर्ण हैं या नहीं हैं, अपना हौसला अपनी हिम्मत को कभी नहीं हारना चाहिए। अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने की तो आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर हम सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो अगर हम हार जाएंगे तो अपने आप ही ज़िंदगी हमें हरा देगी। अपने आप को अगर आपने खुश रख के अपने आप को आगे बढ़ा के अपनी सोच को अच्छा रख के अपनी हिम्मत को बढ़ा के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो सक्षम है या नहीं। इस फील्ड में जो युवा और युवती आना चाहते हैं, जो रुचि रखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार उन्हें मोटिवेट करोगे? मैं अपनी तरफ से जितना भी चाहूँगी उनको मोटिवेट करने की कोशिश करूँगी। और मैं चाहूँगी कि हमारे जो नए कला जो बच्चे हैं जिनके अंदर टैलेंट है वो आगे आए, अपनी कला का प्रदर्शन करें, अपनी संस्कृति अपनी बोली अपनी भाषा को आप जितना अच्छा प्रचार कर सकते। देखिए, किसी भी प्रदेश की संस्कृति जब तक पूरे वर्ल्ड में नहीं आती तब तक उसको कोई नहीं पहचानता है। तो हम जो बच्चे हैं आजकल के बच्चे जो आएंगे, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बोली भाषा अपनी संस्कृति को इतना मजबूत इतना फैलाइए कि लोग जाने के हम उत्तराखंड में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेहनत भी कर रहे हैं आगे भी बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक उन्हें सही दिशा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए? देखिए, दिशा जहाँ तक मिलने की बात है, अगर आप किसी भी चीज़ को लगन से करेंगे तो आपको दिशा ज़रूर मिलेगी। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम रास्ते में चलते हैं तो कभी छोटे पत्थर कभी बड़े पत्थर कभी बड़े बड़े पत्थर कंकर आते रहते हैं, और अगर हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर उनसे हम डर के कि कहीं हमारे पैरों में चुभ ना जाए हम पलट जाएंगे या रास्ता छोड़ देंगे, फिर हमें मंजिल नहीं मिल सकती। मंजिल पाने के लिए बहुत कष्ट तो झेलने ही पड़ते हैं। आज आप लोकगीत में इतनी बड़ी आवाज़ बन चुकी हैं और जो आपके गायक हैं, तो क्या आप उनके लिए दो शब्द गाना चाहेंगी? मुझे ना एक गीत बहुत अच्छा लगता है, लोकगीत है, काफ़ी मैंने 97 में गाया था उस गीत को, आपको सुना था। मैं घास कटूलू तो पुआ बांधी ले, मैं घास कटूलू तो पुआ बांधी ले, हाईवे मैं करूलू यादा नरेणा भी नावे, हाईवे मैं करूलू यादा नरेणा भी नावे, अपना जेब को रुमाला दी जाए, अपना जेब को रुमाला दी जाए, सिपो पोछी लुलू आंसू नरेणा भी नावे, हाईवे पोछी लुलू आंसू नरेणा भी नावे। आपके जो फैंस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया जो मुझे आशीर्वाद दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्यार आपने मुझे अब तक दिया और मैं चाहूँगी जब मैं आखिरी सांस लूँ तब तक मिले। अभी आप देहरादून में आई हैं तो ये किस सिलसिले में आप देहरादून आई हो अभी? जी हाँ, एक्चुअली 24 जून को मैं एक डिसेबल्ड कार्यक्रम कर रही हूँ जिसमें हमारे जो उत्तराखंड के बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है किसी भी प्रकार से, चाहे आँखों से हो शारीरिक अंग से हो, लेकिन उनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट भरा हुआ है। तो हम विगत कई वर्षों से उन बच्चों को मंच देते हैं, उनको लोगों के सामने उनका प्रदर्शन कला का प्रदर्शन करवाते ताकि उनके अंदर हिम्मत बने कि उनको ये ना लगे कि नहीं हमारे अंदर टैलेंट है लेकिन हमें कोई निखारने वाला नहीं है। तो ये प्रयास चौहान जी का रहता है तो मैं उनका साथ देती हूँ इसमें। हेलो, उत्तराखंड से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
टैलेंट किसी का मोहताज नहीं होता, ये आपने अभी देखा हमारी कलाकार से मिलकर, लोक कलाकार से मिलकर। कैमरामैन हरीश के साथ सुनीता राजपूत, हेलो उत्तराखंड, देहरादून।